नूर, क्या हो गया? अरे तुम रो क्यों रही हो? उन कथाओं की बातों को दिल पे मत लो यार। तुम हर बात में दिल को क्यों बीच में ले आते हो? क्योंकि इस दिल ने ही तो बांधा है हम दोनों को एक डोर से। इसीलिए नफरत थी मुझे मोहब्बत से। ये इंसान को कमजोर करके बस रुलाती है। नूर, मोहब्बत इंसान को तभी कमजोर करती है जब वो उसे भागने की कोशिश कर रहा। तो अब क्या करूं मैं? हथियार डाल दो मेरी तरह। मैं तो खुल के एतराफ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। मैं ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें तुम ना हो। असली जब औरत सरेंडर करती है ना, तो ये बात उसके लिए ताना बना देते हैं। वो मर्द ही क्या जिसकी मोहब्बत औरत के लिए ताना बन के रह जाए। तुम आजमा के तो देखो, तुम्हारी ढाल ना बनू ना तो क्या ना। अब मोहब्बत में केयर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अनकंडीशनल मोहब्बत है मेरी, जब चाहो आजमा लेना, लेकिन बस शक मत करना मुझ पे। हाँ, देखो नूर, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें परेशान कर रही है ना, तो खुलकर बता दो, हम दोबारा इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे। देखो, तुम्हें पूरा हक है अपने बारे में कुछ और सोचने का। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर, मैंने तो सुना था इजहार मोहब्बत के बाद इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। तुम्हारे तो चेहरे पे 12 बजे में है यार। अगर उन दोनों को पता चल गया वो हमारा बहुत रिकॉर्ड लगाएंगे। किन दोनों को? ये लट्टू और चुटकी? नहीं, गौहर और बबली। तुम उन दोनों को छोड़ो, फिलहाल चुटकी नेटवर्क की टेंशन लो, उसने देख लिया हम दोनों को एक साथ। चलो